हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे कि रिगर को है जो वॉचिंग रिगर शुड नो, रिगर को क्या क्या चीज़ जानना चाहिए जब भी वो लिफ्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो उनको किन किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों को उसको पहले ही कर लेना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए जानते हैं वन बाई वन। सबसे पहले सेलेक्ट करेक्ट लिफ्टिंग गेयर्स एंड इक्विपमेंट। रिगर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, करेक्ट लिफ्टिंग गेयर एंड इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि लिफ्टिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम उस गेयर के वजह से नहीं हो। फिजिकल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, तो इसमें टूल्स एंड टैकल का उसको फिजिकली या विजुअली इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये है रिगर का देखना काम। डिसलिंगिंग, मेंटेन टूल्स एंड स्टोर रिगिंग इक्विपमेंट राइट वे, मतलब जब लिफ्टिंग हो जाता है तो उसको डिसलिंग कैसे करना है जिसके बारे में जानना है, टूल को मेंटेन कैसे रखना है उसके बारे में जानना है, और उसको फिर स्टोर किस तरह से करना है कि वो खराब नहीं हो, तो ये रिगर को जानना चाहिए। असिस्ट इन लिफ्ट प्लान, तो अगर लिफ्ट प्लान बन रहा है, कोई नई एक्टिविटी है, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसमें आपको सहायता करनी है। नेक्स्ट है नो द लोड कैपेसिटी ऑफ रिगिंग टूल्स, तो ये तो तभी होगा जब आपको, जब तक कोई भी चीज़ को उठाएंगे और उसकी उसका कैपेसिटी आपको पता नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम होगा। तो रिगर का काम है कि लो कैपेसिटी ऑफ रिगिंग टूल्स को जानना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड का वेट है, कितना कौन सा सिलिंग लगेगा जो उस लोड को उठा सकता है, क्रेन का किस तरह का सिलेक्शन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ है जो रिगर को मालूम होना चाहिए। नोइंग क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी, क्रेन की कैपेसिटी भी उसे मालूम होनी चाहिए, क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, क्रेन कितना उठा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द लोड, लोड के बारे में उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए किस तरह का लोड है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आएगा, कहाँ पे हुक करने से वो स्टेबल रहेगा, तो ये सारी चीज़ है जो रिगर को जानना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिग एंड कंट्रोल द रोड, और ये भी जानना चाहिए कि रिगिंग करने के टाइम पे उसको कंट्रोल कैसे दिया, लोड को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको रिग कैसे किया जाए, मतलब किस तरह से उसको हम उसमें स्लिंग और टूल्स वगैरह लगा सकते हैं इजली, जिससे वो इजली है जो उठ सकता हो। नो द प्रॉपर क्रेन हैंड सिग्नल, और उसको क्रेन का हैंड सिग्नल भी मालूम होना चाहिए राइट वे में। तो ये हो गया सारे पॉइंट जो रिगर को है, जो ये सारी चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिगर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उसको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहला है इफ देयर ए लिफ्ट प्लान अवेलेबल एंड इट इज बीइंग फॉलोड ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। लिफ्ट प्लान अवेलेबल है कि कोई भी क्रेन एक्टिविटी जब करते हैं, लिफ्टिंग ऑपरेशन करता है, तो उसका एक प्लान बनता है, तो वो है कि नहीं है और ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। हाउ कैन हुकअप एंड स्लिंगिंग मेट, लोड के साथ आप हुक कैसे करेंगे स्लिंगिंग का, अगर वो लोड एक पार्टिकुलर लोड आपको देगा उसके आधार पे आपको बताना होगा कि हुकअप कैसे करेंगे, स्लिंगिंग कैसे करेंगे। व्हाट विल बी द पथ टू द लोड टू रीच द डिजायर्ड लोकेशन, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि आपको कौन सा पथ जो है जो आप लोगे जहाँ तक डिजायर्ड लोकेशन पे आप पहुँच सकते हैं, जिससे जहाँ पे कि आपको मटेरियल को या इक्विपमेंट को या जो भी चीज़ है उसको आप वहाँ पे रखना है, तो कौन सा पथ से लेके जाएंगे और वो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है हाउ विल द लोड सेट डाउन एट द डिजायर लोकेशन, अब डिजायर लोकेशन पे जहाँ पे लोड को रखना है तो वहाँ पे आप कैसे सेट करोगे, और वहाँ पे कुछ सिनेरियो देगा कि यहाँ पे ये ऐसा ऐसा है तो आप वहाँ पे कैसे रखोगे, तो इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट अदर फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, क्या क्या अलग अलग फैक्टर ऑपरेशन के क्रेन एक्टिविटी के टाइम में क्या क्या ऐसा फैक्टर है जिसको हमको देखना जरूरी है और बचना जरूरी है। सबसे पहले तो वेदर कंडीशन को देखना है कि वेदर किस तरह का है, बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, काफ़ी तेज हवा है, तो इसको नज़र रखना एक फैक्टर है। दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस कहीं सुस एरिया में तो नहीं है, और थर्ड है कि विजिबिलिटी क्या क्या कंडीशन, विजिबिलिटी पुअर तो नहीं, जैसे रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें विजिबिलिटी पुअर रहता है, तो विजिबिलिटी को देखना जरूरी है। तो ये सब है जो रिगर को क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर, इलेक्ट्रिक पावर लाइन, विजिबिलिटी का क्या फर्क पड़ेगा लिफ्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है आर एडिशनल पर्सन नीडेड टू कंट्रोल द लोड सेफली प्रोसेस एंड वाई,
क्या लोड को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडिशनल पर्सनल की भी जरूरत है? तो इसके लिए जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है लोड को कंट्रोल करने के लिए टैगलाइन की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक आदमी चाहिए, और कुछ लोग को मॉनिटर करने के लिए कि कहीं लोड कहीं तो टच तो नहीं कर रहा, अगर दूर है आपके व्यू से या क्रेन ऑपरेटर के व्यू से, तो उस केस में पार्टिकुलर अगल बगल लोकेशन से लोगों को उसको बताना है कि हाँ टच नहीं कर रहा है। तो कई जगह पे ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो वहाँ पे देखना जरूरी है, तो इसमें आदमी की जरूरत पड़ सकती है। एंड व्हाट आर द बेसिक पीपी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बेसिक पीपी क्या चाहिए, तो वो आपको बताना है। पीपी में तो सेफ्टी शू कंपलसरी है, हेलमेट कंपलसरी है, तो ये सारी चीजें हैं जो जानना चाहिए, जो आपको उसके हिसाब से बताना है। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच जाते जाते एक बार रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। सो ओके, तब तक के लिए ओके, वंदे मातरम, धन्यवाद।